गुड मॉर्निंग दोस्तों, पीवीआर स्टडी में आपका स्वागत है। हम लोग रीजनिंग की क्लास चल रही थी हमारी, और उसमें अभी तक हम लोगों ने 7 पार्ट कर लिए हैं, उसका ये 8 पार्ट है। और एक चैप्टर था जिसका नाम था अल्फ़ाबेट टेस्ट, ये अल्फ़ाबेट टेस्ट चैप्टर का 3rd टाइप है। ठीक है, तो हम उसी की बात कर रहे हैं और क्वेश्चन तो आपको दिखाई दे रहा होगा, आप देखिए। और हम लोग फिर से, और उम्मीद है कि आप लोग को बहुत इन्जॉय कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। दोस्तों, मैंने आपको ये बताया था कि जो अंग्रेजी वर्णमाला है, अंग्रेजी वर्णमाला का मतलब क्या है, ए से लेकर के जेड तक। ठीक है दोस्तों, ए से लेकर के ये नंबर दिया हुआ है। इस नंबर में उसने कहा है कि इस नंबर में अगर हम बाएं से दाएं चलेंगे, यानी हमारा, याद रखिएगा कि पहली बात तो इस टाइप क्वेश्चन में हमें यह चीज़ देखना है कि जब भी आपका बायां और दायां की बात करे तो हमेशा हमें अपना बायां और अपना दायां समझना है, क्योंकि किसी अल्फ़ाबेट का कोई बायां दायां नहीं होता है। तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम ऐसे सॉल्व करते हैं, तो हमारा बायां ये होता है, हमारा दायां ये होता है, तो हमारा बायां तो इसका बायां, तो ये बायां हो जाएगा और ये दायां हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि इन चीज़ों को मैंने आपको बता दिया है, अब हम क्या करते हैं कि इसमें अब क्वेश्चन पे चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसमें क्या कैसे हो रहा है। ठीक है, तो हम आपको थोड़ा सा लिख करके देते हैं। जैसे मान लीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्लू एक्स वाई जेड। दोस्तों, थोड़ा सा इसको बड़ा लिखना पड़ रहा है, उससे आप लोगों को दिखाई भी दे रहा होगा, क्योंकि इस क्रम में तो हम लिख करके इसको समझ लेते हैं, बट बायां दायां की बात कर रहा है तो ये पूरा एक ही क्रम में होना चाहिए। तो क्वेश्चन में आपको ऐसा दिया गया था, इसलिए हमने उसको ऐसे लिख दिया है। अब हम जो सॉल्व कर रहे हैं उसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें कह रहा है, हमने आपको बता दिया कि जो हमारा बायां होगा, हमारा बायां यही होता है, तो ये हमारा बायां हो जाएगा, हमारा दायां ये होता है, तो ये हमारा दायां हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें कह रहा है कि हमारे, यानी अब अंग्रेजी वर्णमाला हम थोड़ा देर के लिए भूल जाते हैं, अब हमारा बायां ये हो रहा है तो हम बाएं की बात करते हैं, तो हमारे बाएं 18वें अक्षर, तो हम यहाँ से काउंट करते हैं कि 18वां अक्षर होगा कौन। एक दो तीन चार, और ये आपका हो गया 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वां अक्षर, तो हमने बताया कि हमारा बायां ही बायां इसका होगा, तो अपने बाएं से हम 18वें अक्षर पे आए तो हमारा 18वां अक्षर आर होगा। कौन सा होगा? ये आर होगा। अगर देखा जाए तो यहाँ से लेकर ये हमारा 18वां अक्षर है। ठीक है दोस्तों, बाईं ओर से 18वां अक्षर हमारा क्या है? आर है। ठीक, अब देखिए उसके बाद क्या कह रहा है के बाईं ओर। अब इस अक्षर के बाईं ओर अगर ये हमारा 18वां अक्षर है, ठीक है, और ये आर लिखा हुआ है दोस्तों, तो अब इसका बायां बताइए। हमने क्या बताया था? किसी भी नंबर का या किसी भी लेटर का जो बायां दायां देखते हैं वो हमारा ही बायां दायां होता है। तो अब इसके बाएं कह रहा है, इस अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर, तो हम कहाँ जाएंगे? इधर ही जाएंगे, क्योंकि जो हमारा बायां होगा वही इसका भी बायां होगा। तो हम क्या करते हैं, देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां और ये 10वां अक्षर। 10वां अक्षर हो गया दोस्तों, क्योंकि ये पहला हो जाएगा इसके लिए, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां, 10, हाँ ये 10वां हो जाएगा। ठीक दोस्तों, 9वां और 10वां। तो ये बताइए कि अब इतना ही पूछा जा रहा है कि 10वें अक्षर पे कौन सा अक्षर होगा। आपके पास ये ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन दोस्तों ये दिया गया है कि वाई होगा, कि पी होगा, कि एच होगा, कि ये होगा। हम आप लोग से जानना चाहते हैं कि आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। तो बस हमने देखा कि अगर हमारे बाएं से 18वां अक्षर आर हो जा रहा है, वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि जो 18वां अक्षर होता है वो आर के लिए ही होता है। उसके बाद इस आर से
इस आर्क के बाईं ओर। अब इसका बायां ये है तो इसका बायां ये हो जाएगा, इसके बाएं कौन कितना अक्षर का, दसवां अक्षर, तो ये पहला अक्षर हो जाएगा, दूसरा अक्षर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और दसवां। दसवां अक्षर क्या है दोस्तों, एच। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा अगर आप चाहें तो ट्रिक की भी हेल्प ले सकते हैं, जैसे मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि देखिए, जैसे कह रहा है कि देख लेते हैं ट्रिक को भी थोड़ा सा, उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार हम इसको फिर से बोल दे रहे हैं, आपको बता दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं कि देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर दसवां अक्षर, दसवां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है दोस्तों। अब अंग्रेजी वर्णमाला आप लोगों को, आपको पता ही है, ए से लेकर के जेड तक होती है, ठीक है। तो यहाँ से हमने बताया कि मैंने बताया कि जो बायां हमारा होगा, जो दायां हमारा होगा, वही बायां दायां यहाँ पे हम देखेंगे इसका भी होगा। तो कह रहा है कि बाईं ओर से 18वां अक्षर हमने बताया यहाँ से स्टार्ट होता है, तो जब हम देखेंगे जब यहाँ से स्टार्ट होता है तो बायां हमारा ये होगा, क्योंकि ऐसे तो हम लोग होते हैं, तो ये हमारा बायां होता है, ये हमारा दायां होता है, तो स्टार्ट हम यहाँ से कर रहे हैं तो ये हमारा बायां हो जाएगा। तो बायां से 18वां, आपको पता है कि 18 लीटर पे कौन होता है, आर होता है, तो 18वां आप काउंट करके आइए, चाहे जैसे आइए इस पर ही आएंगे, ठीक है। अब कह रहा है इसके बाएं, इस अक्षर के बाएं, तो अब हम फिर इस अक्षर पर अगर खड़े हो गए हैं या इस अक्षर के पास बैठे हैं, तो हम देखते हैं कि जो हमारा बायां होगा वही इसका बायां होगा, जो हमारा दायां होगा वही इसका दायां होगा। तो बताइए दोस्तों, अब इस अक्षर का बायां क्या हो जाएगा, जो इस अक्षर का बायां होगा वो ये होगा, वन दसवां अक्षर, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। तो जो इसका दसवां अक्षर होगा वो कौन सा होगा, एच होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। अगर आप ट्रिक के माध्यम से जानना चाहते हैं तो वो भी देख लीजिए कैसे। देखिए दोस्तों, जैसे आपको पता है कि पहले 18वां अक्षर बाईं ओर से पूछा है, तो हम बाईं ओर से, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि बाईं ओर से 18वां अक्षर की बात कर रहा है, तो यहाँ हम 18 ले लेंगे, ठीक दोस्तों। उसके बाद अब देखिए यहाँ से ये वापस जा रहा है, जब ये वापस जाएगा तो कहीं ना कहीं इसमें से कम होगा। मान लीजिए पहले वो इतना स्पेस लेता हो, अब क्या कर रहा है कि कहीं ना कहीं जाके ये कम हो जा रहा है, और यहाँ से हम वापस जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर इसमें से हम 18 में से अगर हम 10 सब्ट्रैक्ट कर दें, 10 घटा दें मतलब, तो अब क्या बचेगा, 8 बचेगा, और 8 की प्लेस वैल्यू क्या होती है, एच। तो यही दोस्तों आपकी ट्रिक है, आपकी ट्रिक यही है और इसमें कुछ है नहीं। क्या चीज़ें हैं, यहाँ से हम लोग यहाँ गए। हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। हाँ, कहीं आपको कोई डाउट होता है, कोई दिक्कत होती है, तो आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइए, ठीक है दोस्तों। इसी क्वेश्चन में हम अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट टाइम मीन्स अब वही भी पढ़ रहे हैं, मतलब और क्वेश्चन उस पर हम करते हैं, जो डाउट्स हैं वो एक दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन और कर लेंगे, तो अच्छे से हमारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम चीज़ों को कोशिश करेंगे कि बेसिक भी लगाएं और ट्रिक भी लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। देखिए इसमें क्या है, इसमें लिखा हुआ है कि अंग्रेजी वर्णमाला, लिखा हुआ है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 11वें अक्षर और बाईं ओर से 11वें अक्षर के दाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा। ऑप्शन आपका दिया है पी एन ओ क्यू, ठीक है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से हम पढ़ते हैं और समझते हैं क्या कह रहा है दोस्तों। इसमें कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से मतलब हमने आपको बता दिया कि हमारा बायां, उसका बायां, उस अक्षर का बायां, हमारा दायां, उस अक्षर का दायां, ठीक है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कह रहा है बाईं ओर से 11वें अक्षर, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां और ये दसवां, 11वें अक्षर का मतलब ये हो जाएगा। यानी अगर हम बाईं ओर से 11वें अक्षर पे आएंगे तो हमारा कौन सा अक्षर हो जाएगा, वो हमारा अक्षर होगा के, कौन सा दोस्तों, के। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि उस 11वें अक्षर के दाईं ओर, अब देखिए हमने कहा था, अभी हमने पढ़ा था कि वो उसके बाईं ओर बोल रहा था, लेकिन अब क्या बोल रहा है, इसके दाईं ओर, यानी इस अक्षर के भी दाईं ओर। तो जाहिर सी बात है जो हमारा दायां होगा उस अक्षर का भी दायां होगा, इसके दाईं ओर आप आएंगे तो और इधर आएंगे। तो आप ये हमको बताइए कि इसका दायां क्या हो जाएगा, के दाईं ओर पांचवा अक्षर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये एक, दो, तीन, चार, ये पांच हो जाएगा, ठीक है दोस्तों।
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर। तो आप हमको ये बता दीजिए दोस्तों कि अब कितना हो गया। अब ये इसके पांचवे अक्षर पे आएगा, तो अब देखिए ये हो गया, यानी ये 11 और ये आपका कितना था, 5। ठीक है दोस्तों, आप दोनों को ऐड कर दोगे तो 16, और 16 नंबर पे कौन होता है, ओ पी। 16 नंबर पे क्या होता है, पी दोस्तों। ये तो तरीका था, बेसिक तो हमने आपको बता ही दिया। बेसिक मैंने क्या बताया, बेसिक ये बताया कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वां अक्षर के हो गया, के दाएं, के दाएं, के दाएं का मतलब क्या हुआ भाई, उसको तो लेके नहीं बोलेंगे, उसको छोड़ के ही बोलते हैं। 1 2 3 4 5, 5 नंबर क्या है हमारा, पी, और पी पांचवें नंबर पे आ गया। अब पूछ रहा है कि कौन सा अक्षर होगा, तो ये पांचवा नंबर अक्षर कौन हो रहा है, आप बताइए आप लोग। तो दोस्तों वो क्या हो जाएगा, पी, पांचवा अक्षर कौन सा हो जाएगा, पी हमारा। तो यहां से पी हमारा आंसर हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आप ट्रिक ट्रिक की बात कर रहे थे, तो ट्रिक का मतलब ये है कि 11 इधर से आप 11वें अक्षर की बात कर रहा है, तो 11वां अक्षर प्लस, हम जब इधर आएंगे तो हम चीज़ों को ऐड करते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, ये पांचवा अक्षर। अगर यहीं से इधर जाते तो हम उसमें से घटा दिए होते, सब्ट्रैक्ट कर दिए होते। अब हम यहाँ से इधर ही आ रहे हैं तो अक्षर को और जोड़ेंगे, तो 11वां अक्षर का मतलब क्या हो जाता है, 11 अक्षर को आप जोड़ेंगे और 5 अक्षर को जोड़ेंगे, तो ये 16वां अक्षर होगा। आप ये हमको बता दीजिए दोस्तों कि अंग्रेजी वर्णमाला में 16वां अक्षर कौन सा होता है। तो आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि जो 16वां अक्षर होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, जो हमारा 16वां अक्षर होगा वो हमारा पी ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको ट्रिक कह सकते हैं, ये चीज़ें आपको काम देंगी, क्योंकि हर बार हम इतना इन सबको ऐड नहीं करेंगे, हर बार हम इन चीज़ों को नहीं लिखेंगे, ए से जेड तक हर बार नहीं लिखेंगे। मैं आपको समझाने के लिए तो बता दे रहा हूँ, लेकिन आप करिएगा तो ऐसे मत करिएगा, क्योंकि हमें पता है कि आपको ये अल्फ़ाबेट सारे याद हैं, उनके नंबर और किस नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है आपको याद है। अगर याद है तो आपको ये पता होना चाहिए कि 11वें अक्षर की बात कर रहा है तो यहाँ के आ जाएगा, प्लस 5वें अक्षर की बात कर रहा है तो उसके आप आगे जाएंगे, 11वें से 5 आगे जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, ये आपको क्या हो जाएगा, पी आ जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, पी ही होगा, लेकिन आप 11 और 5 को ऐड कर देंगे तो 16वां अक्षर आ जाएगा, और 16वां अक्षर कौन सा होता है आपका, 16वां अक्षर मीन्स पी। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको नहीं समझ में आ रही हैं तो आप हमें कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। ठीक दोस्तों, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप पर। ठीक है दोस्तों, अब इसी में हम एक और टाइप देख लेते हैं, मतलब टाइप मीन्स एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग टाइप चेंज करते हैं ताकि जो भी हमारे डाउट्स और बचे हुए हैं वो क्लियर हो जाए पूरी तरह से। ठीक है, तो देखिए इसमें कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 19वें अक्षर, दाईं ओर से 19वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर। देखिए अभी तक तो हम लोग बाईं बाईं देख रहे थे, जो हमारा बायां है वो बायां है, अब ये दाईं ओर की बात कर रहा है, तो हमें ये समझना है कि दायां ओर कौन सा है हमारा, दायां ही बनेगा। अब दाई ओर से कह रहा 19वें अक्षर, 1 2 3, हम लोग काउंट कर लेते हैं नंबर क्या, बार बार नंबरिंग करें, 1 हो गया 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ये हमारा 19वां अक्षर है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा दाई ओर से 19वां अक्षर है। ठीक है, अब कह रहा है कि दाईं ओर से 19वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर। देखिए अब इसी के फिर से दाएं की बात कर रहा है, बात को समझिएगा, अब हमें इसके दाएं देखना है। अब कह रहा है कि दाईं ओर से हमने 19वां अक्षर तो देख लिया है, लेकिन अब पूछ रहा है कि जब हम उस अक्षर तक आ जाएंगे तो उस अक्षर के भी दाईं ओर, अब इस अक्षर के दाईं ओर क्या हो जाएगा, इसका दाया ये हो जाएगा, बायां वो हो जाएगा, इस अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर आपको बताना है। तो दोस्तों 7वां अक्षर का मतलब क्या है, अब फिर यहां से काउंट करना हम शुरू कर देंगे, यानी जो आप देखेंगे तो ये आपका तो 19वां अक्षर हो गया, कौन सा, ये 19वां हो गया। ठीक है, लेकिन अब पूछ रहा है इसके, इस जो 19वां अक्षर है उसके दाएं 7वां अक्षर कौन सा है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7, उसके दाएं पूछ रहा है आपका 7वां अक्षर कौन सा होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7वां अक्षर आपका ई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा हो जाएगा हमारा 7वां अक्षर, ओ, यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ओ। ठीक, और रही बात, समझ में आ गया होगा,
और हम ट्रिक की बात करते हैं। आप ट्रिक तो भूल ही जा रहे हैं आपकी। देखिए इसमें जो ट्रिक की बात है वो ये है कि जैसे दाएं ओर से बात कर रहा है, ठीक है, तो दाएं ओर से हम 19वां अक्षर तो ले रहे हैं, यानी हमारा 19वां अक्षर हो जाएगा। लेकिन देखिए हम लोग जब यानी किसी अक्षर की बात करेगा और फिर उसके वापस जाएंगे, उसी के अंदर वापस लौट करके जाएंगे, तो हमेशा हम उससे सबट्रैक्ट करेंगे। सबट्रैक्ट का मतलब अब यहाँ से कहाँ है, 19वां अक्षर तक आए। अब देखिए जो बात वो कर रहा है इसी 19 के बीच की बात कर रहा है, यानी 19वें अक्षर के ही बीच की बात कर रहा है, वो 7वां अक्षर है, इसी में तो आ रहा है, इसी के अंदर ना। तो 7वां अक्षर ज्ञात करने के लिए हम इसमें से 7 क्या करेंगे, वो सबट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, यानी घटा देंगे। अगर आप 19 में से 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 12वां अक्षर आएगा। लेकिन दाएं की बात कर रहा है, हमेशा याद रखिएगा, जब ये 12वां अक्षर आ गया है तो आप चाहिए कर लीजिए इधर से, जब ये 12वें अक्षर की बात करेगा, लेकिन याद रखिए ये दाएं की तरफ से जा रहा है, यानी दाहिने से बात कर रहा है, तो जो भी ये आएगा उसमें से हम क्या करेंगे, 27 में से 12 को सबट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे 12वें अक्षर को 27 में से। अगर 27 में से अगर आप 12 सबट्रैक्ट कर देंगे तो कितनी बचेगा, 15, यानी 15वां अक्षर आपका क्या होता है, ओ। 15वां अक्षर क्या होता है, ओ। तो आपका ओ ही तो आ रहा है। ट्रिक नहीं समझ में आई होगी तो मैं फिर से समझा दे रहे हैं। 19वें अक्षर की बात किया, दाहिने ओर से हमने 19वां अक्षर लिख दिया, लेकिन ये और दूर ना जाकर के कहने का मतलब इसी के अंदर की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं इस 19 अक्षर के ही अंदर की बात कर रहा है। तो जब इसकी बात करेगा तो हम उसी से क्या कर देंगे, फिर सबट्रैक्ट कर देंगे। इस चीज़ को याद रखिएगा, दाई ओर 19वें अक्षर के दाई 7वां अक्षर, अगर दाएं के दाएं पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, 19 में से जो रहा है यानी जो भी वर्ड यहाँ पूछेगा उसमें से जो नंबर पूछेगा उसको घटा देंगे। 19 में से 7 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। आपको पता है आप राइट की बात कर रहा है तो आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है, कि वो 12वां अक्षर कौन सा है, आप ये नहीं निकाल पाओगे। इसके लिए आपको एक प्रोसेस और इसमें करना पड़ता है, अगर उसको सीधा देखना है कि किस अक्षर पे होगा कौन सा, डायरेक्ट अक्षर पता करना हो कि कौन सा अक्षर होगा, तो आप हमेशा 27 में से इस 12 को सबट्रैक्ट कर देंगे तो 15वां अक्षर हो जाएगा, और आपको पता है कि 15वां अक्षर हमेशा आपका ओ होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे। 3 क्वेश्चन इसमें से हमने कर लिया है, ओ हमारा आंसर आ गया है, और उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। हाँ, अब आप इस पर प्रैक्टिस खुद से करिए। जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, कहीं कोई डाउट्स आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत आ रही है, तो आप हमें बताइएगा। जब आप हमें मैसेज करेंगे या कमेंट के द्वारा बताएंगे, तब जाके हमें समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे। आपको कहीं कोई डाउट हो तो ज़रूर हमें कमेंट करिएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा उसमें से नेक्स्ट टाइप है, और देखते हैं इसमें अभी तक हम लोग क्या देखते थे कि कोई भी जो हमारा वर्ड हुआ करता था वो या तो दाईं ओर से पूछ लेता था, ये तो बाईं ओर से पूछ लेता था, देख करके पूछता था कौन सा अक्षर होगा या कुछ भी, मतलब कौन सा अक्षर नहीं होगा, जो भी है। लेकिन इसमें आप देखिएगा, जो इसमें आपसे पूछा जा रहा है, ये अब दो अक्षरों के मध्य में कौन सा अक्षर होगा, ये चीज़ वो पूछ रहा है। तो दोस्तों अभी तक क्या करते थे हम लोग कि ये देखते थे कि अगर कोई अक्षर दिया, बाईं ओर से दिया या दाईं ओर से दिया, फिर उसके दाएं या बाएं हमें पता हो जाता था। अब सेम चीज़ें तो वही हैं, थोड़ा सा टाइप चेंज हो गया है और थोड़ा सा क्वेश्चन भी थोड़ा सा घुमा दिया है, तो बस कुछ नहीं करना है। अगर हमें पहले तरीके से अगर हम पता है हमें पहले का तरीका, तो ये भी हम अच्छे से कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं इसमें लिखा हुआ है अंग्रेजी, कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाईं ओर से, तो पहली चीज़ हमारा दायां ये, हमारा बायां वो, तो कह रहा है कि आपके दाईं ओर से 7वें अक्षर, 7वां अक्षर क्या होगा पहले हम वो देखेंगे, फिर उसके बाद कह रहा है और बाईं ओर से 6वें अक्षर, बाईं ओर से 6वां अक्षर क्या होगा उसको देख लेंगे, फिर उसके बाद कह रहा है कि इन दोनों अक्षरों के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा, यही आपको बताना है और इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग देखते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे से फॉलो करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाईं ओर से 7वां अक्षर, ये हमारा दायां है, 7वां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7, 7वां अक्षर ही हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, यानी जो हमारा दाईं ओर से 7वां अक्षर है वो हमारा क्या है, टी, और इसका प्लेस कितना होता है, 20, किस प्लेस पे आता है, 20वें नंबर पे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए अब कह रहा है कि और बाईं ओर से, ये हमारा बायां पड़ता है,
कह रहे कि और बाई ओर से छठवा अक्षर, एक दो तीन चार पाँच छ, जो हमारा छठवां अक्षर है वो कौन सा है? एफ। छठवां अक्षर पे कौन पढ़ता है? एफ पढ़ता है। ठीक है दोस्तों, तो अब आप हमको ये बता दीजिए कि इन दोनों के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा। पहली चीज तो हम ऐसे ही जनरली काउंट करेंगे, सिंपली देखते हैं, जैसे एक एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह, तेरह अक्षर हैं। तेरह अक्षर का मतलब ये है कि छः अक्षर इधर होंगे, छः अक्षर इधर होगा, एक अक्षर यहीं बीच में होगा, तभी तो जाके दोस्तों ये तेरह अक्षर बनेगा आपका। बताइए हमको, तेरह अक्षर हमने काउंट किया है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह। तो तेरह अक्षर के मध्य वाला अक्षर ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जाहिर सी बात है, छः अक्षर इधर होंगे, छः अक्षर इधर होंगे, छः छः बारह होगा, एक बचता है, तो जो वो बच रहा है वही बीच में हमारा सबसे मध्य वाला अक्षर हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, काउंट कर लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः तक तो यहाँ चला गया, अब यहाँ भी देख लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच छः, बच कौन रहा है? एम। पहली चीज ये कि अब तो ये हमें पता चल गया कि हमारा उसके ठीक बीच में, ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा, तो हमारा एम होगा। आंसर हमारा क्लियर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर आपको ये बताना हो कि जैसे ये तो दे ही दिया है, हो सकता है बहुत लोगों को नहीं समझ में आया हो, तो हम क्या करेंगे, फिर से आपको एक बार समझा देते हैं। ये समझा देते हैं कि कह रहा है दाई ओर से सातवां अक्षर, एक दो तीन चार पाँच छः सात, अब आपको दाया बाया क्लियर हो गया होगा, ठीक है, तो ये दाया है, तो इधर से हम सातवां अक्षर हमारा 20 नंबर पे आता है, 20 नंबर पे आ गया, ठीक है। अब कह रहा है बाईं ओर से छठवां अक्षर, बाईं ओर से छठवां अक्षर हमारा जो है एफ पे आ जाएगा, जिसका प्लेस वैल्यू इसकी सिक्स ही है। तो अब ये बताइए हमको, अब कह रहा है कि इन दोनों के मध्य में, इन दोनों के मध्य में तेरह अक्षर है, कितने अक्षर हैं? तेरह अक्षर हैं। तो तेरह अक्षर का मतलब क्या है? अगर आप थोड़ा सा भी मैथ आपको आती है या नहीं भी आती है, तो आप इतना तो समझ ही रहे होंगे कि तेरह अक्षर हैं तो छः इधर होंगे, छः इधर होंगे, जो बीच वाला होगा वही हमारा सबसे मध्य में होगा। इन दोनों के मध्य की बात कर रहा है, इसके और इसके, एफ और टी के मध्य में कौन सा अक्षर होगा? यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, इसका कहने का मतलब है कि एफ और टी के मध्य में, मध्य या बीच में, क्यों? क्योंकि अब इन्हीं दोनों के बीच की तो बात कर रहा है, तो ये चीज़ें इसमें हो गई हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर भी हो गई होंगी, और रही बात ट्रिक की, तो आपको ट्रिक भी दे देते हैं। देखिए, जो आपका ट्रिक है, जो बाईं ओर से अक्षर की स्थिति है, यानी अगर बाईं ओर से बाई ओर से अक्षर की स्थिति प्लस, इसको आप ले लीजिए, प्लस दाई ओर से अक्षर की स्थिति इसको आप ले लीजिए, और इन दोनों को बटे दो कर दीजिए, हो गया। अब ये बताइए बाईं ओर से जो हमारे अक्षर की स्थिति वो कितनी है? एफ है, और एफ की स्थिति कितनी है? क्योंकि एफ पे अगर देखा जाए तो किस नंबर पे आता है? सिक्स नंबर पे। तो बस ये हमारा सिक्स हो गया। फिर उसके बाद कह रहा है कि दाईं ओर से, तो दाईं ओर से सातवें नंबर की बात कर रहा है, लेकिन वो किस नंबर पे आता है, उसका अक्षर का जो नंबर है वो किस नंबर पे है? तो 20 नंबर पे है, तो इसको हम ऐड कर देते हैं, 20 हो गया, बटे दो कर देते हैं, तो ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा ये 20 और 6 26 हो गया, और डिवाइड बाई 2 हो गया, तो दोस्तों 2 1 2, इतना तो आपको पता ही होगा कि 13 ही आएगा। तो आपको ये भी पता होगा कि जो 13वां नंबर होता है हमारे वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में, वो 13वां अक्षर कौन सा होता है? एम ही होता है, आपको तो इतना पता ही होगा। तो दोस्तों आपको ट्रिक भी समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा, आप प्रैक्टिस करिए,
आप जरूर प्रैक्टिस करिए, आपको समझ में आता है तो आप बताइएगा। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा ताकि वो भी अच्छे से रीजनिंग पढ़ लें, रीजनिंग तैयार हो जाए। तो साथियों आपने क्लास देखा होगा, आज ये लगभग 7-8 क्लास हो चुकी हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। अगर आप चाहते हैं कि क्लास ऐसे चलती रहे रीजनिंग की और आप सभी पढ़ते रहें, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, खूब सारे मित्रों को जोड़ें। और कुछ दिन बाद जल्दी में लाइव भी शुरू होने वाली है, तो आप सभी ढेर सारी संख्या में उपस्थित हों जिससे कि सर का हौसला भी बढ़े और आपको और अच्छे से पढ़ाएं, ठीक ना। तो कमेंट करिएगा अपने विचारों को, जैसे भी आपको लगेगा। अगर कोई कमी आपको लगती है, कुछ सुधार किया जाए तो उसको भी बताइएगा। अगर आपको लग रहा है कि सब ठीक है तब भी बताइएगा, लेकिन कमेंट जरूर करिएगा, ठीक ना। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। आप सभी क्लास को शेयर जरूर करिएगा।